हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल फैक्ट्स फैक्ट्री। दोस्तों, डिजिटल फैक्ट्स फैक्ट्री नामक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह ट्रिपल सी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सेकंड पार्ट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा टॉपिक है कंप्यूटर इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज, मतलब कि कंप्यूटर में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों? तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की दोस्तों होती है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस आई। क्या होती है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस आई। प्रिंट प्रीव्यू शॉर्टकट की कंट्रोल अल्ट आई होती है। व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर की शॉर्टकट की, नया फोल्डर ओपन करने या मतलब कि क्रिएट करने के लिए उसको किस शॉर्टकट की इसका यूज करते हैं? तो दोस्तों, नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ डबल अंडरलाइन। अंडरलाइन का नहीं है, डबल अंडरलाइन। डबल अंडरलाइन की दोस्तों होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी डबल अंडरलाइन की होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ क्लोज सिस्टम, मतलब कि सिस्टम को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? दोस्तों, सिस्टम को बंद करने के लिए अल्ट प्लस F4 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अल्ट प्लस F4 की का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ इंसर्ट द डेट इन MS Word, मतलब कि MS Word में डेट को इंसर्ट करने के लिए किस की का यूज करते हैं? तो MS Word में डेट को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस पी का यूज करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ इंसर्ट द टाइम इन MS Word। MS Word में टाइम को इंसर्ट करने के लिए किस की का यूज करते हैं? तो वो डेट था या टाइम है? टाइम को इंसर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैन करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ सेव एज, मतलब कि सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है? तो दोस्तों, सेव एज की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F12, मतलब कि शिफ्ट प्लस F12 का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ ग्रो फंड। दोस्तों, ग्रो फंड की शॉर्टकट की क्या होती है? यानी कि इंक्रीज फंड की शॉर्टकट की क्या होती है? इंक्रीज फंड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। दोस्तों, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, इसको नोट करते चलिए। व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ श्रिंक फॉन्ट, यानी कि श्रिंक फॉन्ट यानी कि डिस्क्रीज। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। डिस्क्रीज फॉन्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कर दो यार, आपके लिए ही बनाते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों? तो दोस्तों, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है, आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल प्लस के, यानी कि हाइपरलिंक के लिए हम कंट्रोल प्लस के का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ग्रामर क्या है, व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ इंडेंट पैराग्राफ इन MS Word। MS Word में इंडेंट पैराग्राफ के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं दोस्तों? तो इंडेंट पैराग्राफ के लिए दोस्तों हमारी शॉर्टकट की यूज होती है कंट्रोल प्लस M। लाइक कर दीजिए दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ क्रिएट हैंगिंग इंडेंट इन MS Word।
तो क्रिएट हैंगिंग इंडेंट इन एमएस वर्ड में क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी का यूज करते हैं एमएस वर्ड में हैंगिंग को इंडेंट को क्रिएट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर तेरह हमारा क्या है? व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ रीनेम? रीनेम की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों? दोस्तों बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। F2 का यूज रीनेम के लिए करते हैं। व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ सर्च? सर्च के लिए किस शॉर्टकट की यूज करते हैं दोस्तों? सर्च के लिए आंसर हो जाएगा हमारा F3, यानी कि F3 का यूज करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि आखिरी क्वेश्चन हमारा 15वां क्या है? व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ रिफ्रेश? रिफ्रेश की शॉर्टकट की दोस्तों होती है F5। F5 रिफ्रेश की शॉर्टकट की यूज होती है। तो इस जितनी भी शॉर्टकट कीज थी सब इम्पॉर्टेंट थी दोस्तों। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आपका डिजिटल फैक्ट फैक्ट्री आगे बढ़ सके। दोस्तों छोटा चैनल हो चाहे बड़ा, जानकारी देता है तो ठीक ही देता है, और जो समझ ना आए वो पूछ सकते हैं आप कमेंट करके। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। चलते हैं अगली वीडियो के लिए, जल्दी आएगी 3rd पार्ट इसका। तो उसके 3rd पार्ट में कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। दोस्तों चलते हैं, धन्यवाद।